मैं आप सबको। बस ले आओ ना स्टेज पर, दिल कहीं बाहर ना आ जाए। आलो आलो शेर आलो, वत्तो वत्तो शेर वत्तो। एक और भी था, धीमी धीमी। मरियम नवाज़ बार बार कह रही हैं कि थोड़ा सा वक्त है तो आप फौरी तौर पर आ जाएं, इतना इंतज़ार ना करना पड़े। और इंतज़ार बहुत थोड़ा सा रह गया है कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि अपनी लाइट्स ऑन रखें, बैटरी की परवाह नहीं करें। और नवाज़ शरीफ साहब की गाड़ी बिल्कुल करीब पहुंच गई थी सीढ़ियों के, जब अब से चंद लम्हों पहले हमने आपको दिखाया था, सीढ़ियों के बिल्कुल करीब करीब कोशिश की जा रही थी कि उनकी गाड़ी को जो है ना पार्क किया जाए, फिर वो स्टेज तक पहुँचें। हमज़ा शहबाज गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और वो वहीं पर उस स्टेज के खासी करीब तक लेकर के गए थे, हमने आपको मनाजर भी दिखाए थे। तो अब इसीलिए ये थोड़े से लम्हात रह गए, और मरियम नवाज़ इसीलिए बार बार कह रही हैं कि अब कोई भी लम्हा ऐसा होगा जब नवाज़ शरीफ साहब पहुँच जाएंगे, स्टेज और पे आप ये आ गए देख भी नवाज सकते शरीफ। हैं स्टेज पर नवाज शरीफ पहुंच चुके। शहबाज शरीफ साहब वाजे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मीडिया भी है, यहाँ पर लीगी कयादत भी है, हमजा शहबाज साहब को भी देखा जा सकता है यहाँ पर वाजे तौर पर। और ये गहमा गहमी ये आ गए नवाज शरीफ साहब स्टेज पर। अरसा पौने 4 साल, 4 साल के बाद में ये मौका आया है कि जब वो लाहौर में है और स्टेज पर मौजूद है, और आज वो आवाम से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये अब हम कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं फाइनली और फाइनली नवाज शरीफ जो है वो तकरीर स्टेज पर मौजूद हैं, और उनके हमरा उनके भाई शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, राना सनाउला है, हमजा शहबाज है, ख्वाजा साद रफीक है, मुस्लिम मखनून की पूरी सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है और हाथ उठाकर आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके नारों का जवाब दे रहे हैं, उनकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे सुबह से, जब हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं, वो लाहौर पहुँचने वाले हैं, इसकी तमाम अपडेट्स जो हमारे रिपोर्टर्स हमें दे रहे थे वो हमने सबसे पहले अपने नासिन को पहुंचाई है। और अब ये जलसा गा के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जलसा है जिसकी 2 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी गई थी, आतिशबाजी का जो है वो यहाँ पे मुजाहरा किया जा रहा है। ये वो इस्तकबाल है जो कि नवाज शरीफ का किया गया है स्टेज पर पहुंचने पर, जलसागाह में पहुंचने पर। जैसा कि मरियम नवाज भी कह रही थी कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए कि वो याद रखें कि उनके चाहने वाले या उनसे मोहब्बत करने वालों ने उनका इस्तकबाल कैसा किया है। ये वो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो अपने भाई यानी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उनको गले मिल रहे हैं, उनसे मुसाफर भी किया है, और ये साहबदार को भी उन्होंने गले लगाया है, और ये शुक्रिया का भी एक अंदाज है, और अब आए हमजा शुक्रिया का भी अंदाज है। हमजा शहबाज से भी वो मिले, फर्दन फर्दन सुलेमान शहबाज आ गए, ये फर्दन फर्दन मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहले आके वेव किया, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी तरफ उन्होंने हाथ हिला के उनको जवाब दिया, और अब वो जिन लोगों के साथ आए हैं, जो लोग स्टेज पर जो नून लीग की क़यादत इकट्ठा है, और ये फायरवर्क्स का इंतज़ाम कल भी हमने आपको दिखाया था कि इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए जब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे तो फायरवर्क्स का एहतमाम करेंगे किस तरह से और क्या किया जाएगा, ये उन्होंने रिहर्सल देखी थी। और आज वो यहाँ आए हैं, जैसे ही नवाज शरीफ साहब स्टेज पर पहुँचे हैं तो आबिद शेर अली साहब को भी पीछे दिखा, ततारड़ भी मौजूद है, ततारड़ भी यहाँ पर है, आबिद शेर अली साहब इनके साथ साथ ही चल रहे हैं। पूरी जो मरकजी क़यादत है नून लीग की वो इकट्ठा आज यहाँ पर मिली मरियम नवाज साहिबा, बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, वो एयरपोर्ट भी नहीं गई थी अपने वालिद को वेलकम करने के लिए, नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए। और ये थोड़े जज्बाती मनाजर है, मरियम नवाज अपने वालिद से गले भी मिल रही है, वो तसल्ली भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रही हैं, आप दीदा भी बहुत जज्बाती मनाजर आप दीदा हो गई हैं, और ये मनाजर वो भी लग रहे हैं, क्या मनाजिर बिल्कुल किरण ऐसे हैं जिनको हम शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बाप की बेटी से मोहब्बत का वो इजहार है। या मरियम नवाज जैसे बात भी करी थी कि वो 4 साल बहुत मुश्किल थे जो कि उन्होंने देखे, उन 4 सालों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, और अब जो है ख्वाजा आसिफ से जो है वो नवाज शरीफ जो हैं वो गले मिले हैं, और नवाज शरीफ खुद भी आप दीदा हमें नजर आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब से भी वो मिले हैं, और मरियम औरंगजेब
तहजीब भी हमें आपदीदा नजर आ रही है। इससे पहले ये जो मनाजिर थे हमने वो देखे थे कि जब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो मीनार पाकिस्तान की हदूद में परवाज कर रहा था, उस वक्त भी मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब आपदीदा हमें नजर आती है। ये अहसन इकबाल जो हैं वो भी उनसे मिले हैं और बारी बारी जितने भी लोग हैं पार्टी क़यादत के वो उनसे मिल रहे हैं, आके उन्हें उनसे गले मिल रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और मरियम नवाज जो हैं वो काफ़ी हमें अफसरदा या फिर ये अपने खुशी के मनाज़िर हैं, एक्साइटमेंट है, आंसू हैं और थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त तो ऐसा लगा, हंसा भी हैं, आपदीदा भी हैं और आपने मरियम औरंगजेब का भी बताया, वो भी हो रही थी जो है वो उनसे मिली आके। एहसन इकबाल साहब इनसे मिले, मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, पी एम एल एन में अहम जिम्मेदारियां भी निभाते हैं जुबैर साहब, और मरियम नवाज को अभी भी थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है। आजम नजीर जी जी थे। आजम नजीर तारट थे। इसके अलावा जो मुस्लिम नून की सीनियर क़यादत है वो फर्दन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिली है। चार साल के बाद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे और उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ हाथ बुलंद किया है फ़जा में और ये इत्तेहाद है जो कि उन्होंने जाहिर किया है, क्योंकि जो धड़ेबंदी की बातें थी, जो नून मीम चीन की बातें थी, वो आज सारी दम तोड़ गई हैं। एक जानिब उनके शहबाज शरीफ मौजूद है, एक जानिब उनके उनकी साहिबजादी मरियम नवाज मौजूद है और अभी भी मरियम नवाज जो हैं वो आपदीदा हैं और ये वो खुशी के आंसू हैं जो कि हमें उनकी आंखों में नजर आ रहे हैं। मिस नहीं किया आपने, नोटिस नहीं किया आपने, वो टी शर्ट देखा आपने जो शहबाज शरीफ साहब ने पहनी है, उनके उनके स्टाइल की हमेशा बातें हुई हैं किरण और आज भी बड़े मुनफरिद स्टाइल में हमें नजर आ रहे हैं और अपनी बेटी को और अपने भाई को वो गले से लगा रहे हैं और